साइबर सिटी गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 पार पहुंच गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने दिवाली से पहले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन सभी दावों की हवा निकल गई है। जहां पर आतिशबाजी को लेकर अंकुश लगाने की बात की गई थी, वहीं पूरे शहर भर में बम पटाखे फोड़े गए। हालांकि जिला प्रशासन ने आतिशबाजी के लिए शहर में करीब 500 इलाके चिन्हित किए थे और जहां पर 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाए गए। हालांकि ऐसे में दीपावली वाले दिन भी सांस लेना मुश्किल हो गया था और काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। फिलहाल प्रदूषण की मार NCR में लगातार जारी है और लोग मास्क के भरोसे निकल रहे हैं। हालांकि सरकार के लिए पॉल्यूशन पर नियंत्रण पाना काफी चुनौतीपूर्ण लग रहा है। साइबर सिटी में जलता कूड़ा, सड़कों में उड़ती धूल, निर्माण कार्य में अनियमितता, डीजल ऑटो का धुआं और जलती पराली लोगों के लिए और भी मुसीबत का सबब बन गई है। सुप्रीम कोर्ट भी पॉल्यूशन को लेकर कई बार अधिकारियों को फटकार लगा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद पॉल्यूशन अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे में सर्दी के मौसम में प्रदूषण की मार लोगों पर और भारी पड़ सकती है।